हेलो डियर, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मीन्स क्या प्रूफ करने वाला जो भी क्वेश्चन आप पढ़ाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले सबसे पहले आप इसको क्या करिएगा, ट्राई करिएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपका ये, ठीक। इसमें जो बच्चा को बहुत मतलब वो डाउट रहता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो देखिएगा इसमें बहुत ही आसान काम रहता है, ठीक। सबसे पहले आप लोग ट्राई एक बार जरूर करिएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या करना रहता है, टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो क्या करना रहता है आपको, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले में, ठीक है, कभी भी अगर आपको यहाँ पर साइन और कॉस सेक के अलावा, सॉरी साइन और कॉस के अलावा, साइन और कॉस के अलावे अगर आपको टेन कॉट या फिर सेक या फिर कॉस सेक, टेन कॉट सेक या फिर कॉस सेक, इसमें से कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिखे, इसको तुरंत क्या काम करेंगे, इसको तुरंत और तुरंत में किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में। जैसे कि आपको यहाँ पर इस साइड एलएचएस में क्या दिख रहा है आपको, टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा आपको दिख रहा है, ओके। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे कि एलएचएस को लेकर के चलेंगे और आरएचएस को लाएंगे। तो एलएचएस में आपका इधर क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा। तो क्या चीज़ अभी आपको हम बतलाएं कि अगर कभी भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में साइन या कॉस के अलावा टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी दिखता है, तो उसको सबसे पहले काम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेन थीटा, तो इस टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में साइन बाय कॉस। तो इस टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइड बाय, अब यहाँ पर फिर से क्या है, बाय वन माइनस कॉट थीटा, तो अब इस वन माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, इसी को पलट देंगे, ठीक है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा आपका ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जितना भी आपका क्वेश्चन मिलेगा ना प्रूफ करने वाले में, टेन कॉट सेक कोसेक कुछ ही मिलेगा, सबसे पहला काम ही क्या करना होता है उसको, साइन या कॉस, साइन कॉस में या फिर साइन या प्रॉपर कॉस में चेंज कर लेंगे। और ये चेंज कर लेने के बाद हम लोग बस अलजेब्रा यहाँ पर लगाते हैं क्या, कि अगर एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम ले लेंगे, या फिर प्लस माइनस जो भी करना हो वो सारा काम हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, प्लस कॉट थीटा, अब फिर क्या काम करेंगे, इस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, इस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, डिवाइड बाय वन माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, तो वन माइनस इस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस लिखेंगे, ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बस यहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ये कर रहे हैं, अगर कभी भी प्रूफ करने वाले में क्या रहेगा, टेन कॉट इस तरह का कुछ भी दिखे, टेन कॉट से क्या कॉस कुछ भी दिखेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, उसको साइन कॉस में चेंज कर लेना, ठीक है। तो साइन कॉस में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और अगर आपके मन में चल रहा हो क्या कि सर कॉसिक थीटा को कैसे चेंज करेंगे, तो कॉसिक थीटा क्या लिखेंगे, वन बाय साइन थीटा लिखेंगे, ओके। और टेन थीटा का क्या जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा का क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये काम कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्या हो जाएगा, सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, वन बाय कॉस थीटा, वन बाय कॉस थीटा। तो इसी में से कोई ना कोई फॉर्मूला जो है सो आपका यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेन और कॉट दिख रहा है, तो टेन और कॉट का फॉर्मूला साइन कॉस की फॉर्म ऐसा कुछ होता है, इसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दिए। अब इसके बाद का बात सुनिएगा, इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस या फिर से या फिर क्या बोलते, सिंपल ये समझिए, इसके बाद क्या काम करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, साइन बाय कॉस, उसको साइन बाय कॉस अभी रहने देंगे, ओके, इसको जो है साइन बाय कॉस अभी रहने देंगे, ठीक है। नीचे में जो है डिनोमिनेटर में जो है आप सिर्फ और सिर्फ इस को देखिएगा, ठीक है, इसको वन माइनस कॉस बाय साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा एकदम क्लियर, देखिए वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को अगर हम ये बोलेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो बहुत आसान, इसको कहीं सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मल, इसके नीचे में कुछ तो क्या वन है, एलसीएम क्या लेंगे, तो साइन थीटा यहाँ पर वन एंड साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, वन से इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, तो साइन थीटा इंटू ये वाला ऊपर वाला वन क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस ये साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन, वन इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा इधर, ये कॉस थीटा। जैसे कि आप ये समझते हैं नंबर से खेलिए, नंबर से, ठीक है, वन माइनस टू बाई थ्री, यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग, थ्री एलसीएम, यहाँ थ्री माइनस टू, कुछ इस तरह से बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है। तो नीचे वाले को हम लोग सॉल्व करके क्या ले आए हैं, वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा था,
इसको हम लोग सॉल्व किए, मतलब सॉल्व आपको यही स्टेप वाइज करना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा था, यहाँ पर जैसे सॉल्व किए नीचे क्या आया आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कुछ इस तरह से सॉल्व करने के बाद आया। अगर इसके पहले अगर यदि आप ट्राई किए होंगे और आपसे अगर नहीं बना हुआ, तो अब क्या करना है कि इसके बाद इस स्टेप को, इस स्टेप में जो है, ठीक है, इस स्टेप में इस टर्म को कैसे लिखेंगे वो आप लोग लिखिएगा, कोशिश तो करिए, ठीक है। चलिएगा, कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन का कॉस बाय साइन ही लिखेंगे, कॉस बाय साइन डिवाइड बाय, नीचे में यहाँ पर फिर आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिख रहा है, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिख रहा है, तो फिर से क्या कम करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट या फिर नहीं? बस अभी तक दो ही काम किए, नंबर फर्स्ट क्या काम किए हैं कि साइन कॉस में चेंज कर लिए, उसके बाद उसको एक स्टेप अभी बस सिंप्लीफाई किए, ठीक है। अभी क्या किए, बस एक स्टेप सिंप्लीफाई किए, ठीक है। अब फिर आगे इसको और सिंप्लीफाई करना है, चलिएगा। चलिएगा, अब यहाँ पर क्या कम करते हैं, देखिएगा, एक आपका जो है न्यूमरेटर में साइन बाय कॉस है और इस डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, इस टर्म में कॉस बाय साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान है या फिर नहीं? जैसे कि अगर आपको हम लिख कर दे दे 2/3 डिवाइड बाय 4/9, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 2/3 को 2/3 ऊपर वाले को बिल्कुल ऐसे लिखते हैं और नीचे वाले को बस पलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 9/4 से ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही काम यहाँ पर करना है, ओके, यही काम क्या करना है, यहाँ पर करना है। और ये कैसे होगा, आराम से देखिएगा, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला आपका ऊपर जाएगा टर्म, ये साइन थीटा ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, ये डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस, जस्ट यही काम इधर करेंगे, आपका इधर सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा ऊपर में बाय साइन थीटा इंटू इस नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरह से आया। अब इसको फिर से क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, ऊपर क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, इसको हम लोग बस अभी क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे, इसको एकदम से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखना है, ओके, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसा नहीं, अब इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा भी नहीं लिखना है, चलिएगा, प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ तक पहुँच के सिंप्लीफाई करते करते, अब यहाँ पर से अब फिर आपको क्या दिमाग में चल रहा होगा कि सर फिर से आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने से पहले आप थोड़ा सा इधर आप देखिएगा ध्यान से कि इस टर्म में साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाले में क्या लिखा हुआ, यहाँ पर साइन माइनस कॉस लिखा हुआ इस इंटू में साइन माइनस कॉस, और यहाँ पर इसी का उल्टा क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस साइन लिखा हुआ है। अगर आप हम ये बोले कि सपोज कि एक्स माइनस फाइव लिख दें और दूसरा टर्म फाइव माइनस एक्स लिख दें, इस दोनों को बोलेंगे क्या, इक्वल करने, सिर्फ और सिर्फ इक्वल करने, तो कहिएगा सर यहाँ से जो आप क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव, यहाँ भी आपका एक्स माइनस फाइव, यहाँ भी एक्स माइनस फाइव, तब जाकर के एलसीएम देना बहुत आसान हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करते हैं हम लोग, अब ऊपर में क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा है डिवाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ पर साइन माइनस कॉस अच्छा लग रहा है, ठीक, इसको रहने देते हैं, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा है तो साइन थीटा, यहाँ पर ये चीज़ इंटू में है ना, ये चीज़ किसमें, इंटू में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से इस इंटू वाले इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये आपका आगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ये था माइनस टर्म माइनस साइन थीटा, अब आपका प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये था प्लस में कॉस थीटा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा। तो सर ये जो माइनस आप कॉमन लिए हैं, इस माइनस को कहाँ भेजेंगे,
देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखे 1/4 +2/-5, मान लीजिए हम ऐसे लिखे हुए 1/4 + 2/-5, इसमें इसको आप कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर नहीं भेज देते हैं, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। अगर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये प्लस हो जाता है इसके साथ, बिल्कुल ये चीज़, क्योंकि माइनस आपका ऊपर आता है फिर यहाँ आता है शिफ्ट हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस सारा कुछ आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिएगा तो क्या कम करते हैं, इसी में थोड़ा सा जगह कम पड़ा है इसीलिए इस माइनस को हम लोग शिफ्ट कहाँ कर दिए, यहाँ पर, इस माइनस को कहाँ शिफ्ट कर दिए, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा चलिएगा अब यहाँ से इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ओके। अब इसका यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो अब एलसीएम आसान हो जाएगा, sin θ - cos θ यहाँ भी दिख रहा है, sin θ - cos θ यहाँ भी दिख रहा है, तो एलसीएम में क्या आएगा, सिंगल पीस जो है उसको लिख लेंगे sin θ cos θ sin θ - cos θ, इसको लिख लिए हैं। एलसीएम कैसे आया समझ में आया, फिर जैसे देखिए अगर आपको एलसीएम समझना है, जैसे कि 1/3 और +1/5 का एलसीएम लेना है, दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 5 का एलसीएम क्या 15 बोलते हैं, बट यहाँ पर cos θ * sin θ ही नहीं लिखेंगे, cos θ * sin θ लिख लिए, उसके बाद जो चीज कॉमन रहता है उसको लिखते हैं, तो कॉमन एक क्या है, sin - cos, इसमें भी है sin - cos, इसमें भी है, यहाँ पर कॉमन लेकर के एक टर्म को क्या लिखेंगे, sin - cos लिख दिए। इसके बाद फिर क्या सब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 15, इस 15 को हम लोग अगर 3 * 5 लिखेंगे कोई दिक्कत क्या नहीं, अब फिर इसमें से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते क्वेश्चन क्या आता है, उसी को फिर इसके न्यूमिटर में से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग एलसीएम ये सब काम करते हैं, वही काम यहाँ पर करना है, बट इसको ऐसे रखना जैसे वहां रखे हुए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होता है क्वेश्चन में क्या आता है, 5 आता है, तो क्या बचा, 3 से 3 कैंसिल क्या बचा, 5 * 1, तो वही चीज यहाँ पर करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं मल्टीप्लाई कर लिया वाला से डिवाइड करेंगे, वो सब काम नहीं करना है। देखिए क्या क्या इसमें मिल रहा है, cos θ * sin - cos मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे, क्या बचा, sin θ, इस sin θ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, ये आपका क्या हो जाएगा, sin³θ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, sin³θ माइनस, वैसे आप इधर आइएगा, मतलब यहाँ समझिए 5, अभी से 5 से 5 कैंसिल, मतलब 15 था, 5 3 = 15, या फिर यूँ समझिए 5 से 5 कैंसिल क्या बचा, 3 * 1, ऊपर के यहाँ पर क्या +3 होगा, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, sin θ * sin - cos sin θ * sin - cos, ये आपको कॉमन दिख रहा है, क्या बचा, cos θ, दिस इज cos θ मल्टीप्लाइड विथ cos²θ, देन वी गेट cos³θ, देन वी गेट cos³θ। अब यहाँ पर आकर के रुक जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको आकर सोचना होगा, सर इसके आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, आपके दिमाग में आ रहा हो क्या, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन सोचिएगा थोड़ा सा, यहाँ जो आपको प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, 1 sec θ * cosec θ, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, 1 sec * cosec आएगा, हर जगह आपको sin cos दिख रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, sin θ * cos θ * sin - cos θ दिख रहा है, ओके। ऊपर क्या दिख रहा है, sin³θ - cos³θ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक ऊपर क्या दिख रहा है, sin³θ - cos³θ दिख रहा है। यदि आप इसको अलजेब्रा के इस फॉर्मूला से, यदि आप इसको देख रहे हैं, a³ - b³, तो a³ - b³ का क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टर के फॉर्म में, a³ फैक्टर के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आपको इसी का यहाँ पर माइनस दिख रहा है, जो दो टर्म यहाँ पर दिख रहा है उसी दो टर्म का यहाँ पर माइनस के फॉर्म दिख रहा है, वहां से क्यूब गायब है, मतलब ऊपर नीचे में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो यहाँ पर साफ साफ आपको रिलेशन क्या दिख रहा है, सर a³ - b³ का फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको sin θ - cos θ मीन्स a - b, क्या होगा, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b, देखिएगा ध्यान से, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b (a²+b²+ab), ये इसी क्या बोलते हैं, फैक्टर फॉर्म का फॉर्मूला बोलते हैं, a³ - b³ का फैक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a³ - b³ का a²+b²+ab होगा, ओके। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो sin θ - cos θ (sin²θ + cos²θ) क्या हो जाएगा, ए बी मीन्स क्या, sin θ * cos θ + sin θ * cos θ, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे में क्या लिखा हुआ है, sin θ * cos θ (sin θ - cos θ), सारा का सारा इंटू में है, ऊपर एक टर्म दूसरा टर्म दो टर्म ऊपर मल्टीप्लाइड है,
एक दो तीन टर्म नीचे मल्टीप्लाई इस तरह से, ठीक है। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि सारा का सारा इन टू में है। और कुछ मल्टीप्लाई होगा जी नहीं। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है आइडेंटिटीज का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिखेंगे, वन प्लस साइन टू कॉस ऊपर लिखाएगा। चलिएगा इस साइड इसको मिटाते हैं। चलिएगा तो ऊपर क्या बचा, वो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, वन प्लस उस साइड क्या लिखे हुए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया यहाँ तक। अब इसके आगे सिंप्लीफाई हुआ क्या, हाँ अब तो और आसान होते जाएगा। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, वन प्लस इधर सेक इंटू कॉस, बस दो टर्म दिख रहा है, एक वन दूसरा सेक इंटू कॉस, यहाँ पर भी वन दिख गया और प्लस दिख गया, साइन इंटू कॉस दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन इंटू कॉस दिख रहा है। अब इसको बस सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कैसे करेंगे उसको आप देखिएगा इधर फ्रैक्शन में, अगर हम ऊपर लिखे वन प्लस थ्री और नीचे मान लीजिए क्या फिफ्टीन लिख देते हैं, और इस फिफ्टीन को अगर हम लोग, चलिए सिंपल प्ले इतना समझिए, इस फिफ्टीन को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस फिफ्टीन से ये भी डिवाइड होगा और ये थ्री भी डिवाइड होगा, तो वन बाय फिफ्टीन आप प्लस थ्री बाय फिफ्टीन लिखेंगे बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब देखिएगा इसी 15 को अगर हम लोग ऐसे लिखे वन प्लस थ्री डिवाइड बाय फाइव इंटू थ्री, अब ऐसा कतई नहीं समझना है कि सर वन बाय फाइव अलग लिखिए प्लस थ्री बाय थ्री अलग लिखिए, तो यही ना 15 है, ये यही 15 है। जब इस 15 से दोनों को हम लोग डिवाइड करें, इस फाइव इंटू थ्री से भी दोनों को डिवाइड करेंगे, वन बाय फाइव इंटू थ्री और प्लस थ्री डिवाइड बाय फाइव इंटू थ्री, तब ना बात बात दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा यही काम यहाँ पर क्या करना है, साइन इंटू कॉस को वन में डिवाइड, साइन इंटू कॉस को वन के साथ भेज देंगे, साइन इंटू कॉस को साइन इंटू कॉस के साथ उधर भेज देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, मीन्स क्या हो जाएगा वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई कोई बच्चा यहाँ पर क्या करता है, साइन को इसके साथ भेज देगा कॉस को इसके साथ भेज देगा, तो ऐसा काम नहीं करना है बिल्कुल, आपको यहाँ से ऐसे समझा दे एकदम 8-9 के क्लास की तरह, आपको यहाँ पर 6-7 की तरह समझा दिए कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, एकदम ऐसा नहीं कर चुके। ऐसा देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा सॉल्व करने के लिए एग्जाम में भी और आपके बुक में भी होगा, तो ऐसा नहीं करना है आपसे। अब देखिएगा वन बाय साइन इंटू कॉस लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाय साइन इंटू वन बाय कॉस लिख सकते हैं, तो वन बाय साइन का क्या होता है फॉर्मूला कॉसेक, वन बाय कॉस का क्या होता है सेक, तो वन बाय साइन इंटू कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट बताइएगा, नहीं समझे देखिएगा, जैसे कि 2/3 इंटू फाइव हम लिख दिए मान लीजिए, 2/3 इंटू फाइव, इसको अगर अलग अलग करना है तो क्या होगा, ये चलिए वन है ऊपर वन लिखते हैं वन, तो 1/3 इंटू 1/5 होगा सिंपल, इसको हम लोग अलग अलग लिख ही देते हैं, तो 1/sin थीटा इंटू 1/ ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, प्लस ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वन, 1/sin मीन्स क्या cosec थीटा इंटू sec थीटा और प्लस वन, यही ना प्रूफ करना था, इसको आप सीधा लिख दीजिए वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आरएचएस, ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होगा कि सर साइन कॉस के अलावे जो कुछ भी आपको वहाँ पर दिख रहा है टेन कॉस से क्या कॉस से कुछ भी, उसको हम लोग क्या काम करेंगे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, आपको फॉर्मूला हम बता दें किस तरह से चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद हम लोग का एक ही मकसद क्या रहेगा कि उसको किस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई करें, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, और सिंप्लीफाइशन अपना मन से करते चले जाना, ठीक है। आपको हमेशा हर एक स्टेप के बाद आपको ये देखना रहता है कि हमको पहुंचना कहाँ तक, ऐसा नहीं बस आगे करते चले गए या फिर कहीं बीच में रुक गए नहीं दिख रहा है क्या आ रहा है, आपको हमेशा क्या प्रूफ करना है क्या लाना है उसको भी देखते रहना है और आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। जैसे साइन कॉस में चेंज कर लिए तो मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद प्लस या माइनस करना होता है, इतना काम आप लोग करते रहिए, कुछ शायद क्वेश्चन में आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगता है या फिर कुछ कॉमन वगैरह दिखता है या फिर क्या बोलते हैं कैंसिल आउट भी होता है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही होता है, आपको प्लस माइनस सिंप्लीफाई या कटम फुटी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद
आपको हमेशा ये जरूर देखना होगा कि हाँ हमको जाना कहाँ तक है, हमको प्रूफ क्या करना है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। तो आगे आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे।